ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं तत्काल फ्री सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से या फिर IRCTC की वेबसाइट से कन्फर्म टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। यदि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं तो सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि फाइनली IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में भी अपडेट आ चुका है। इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा था, फाइनली क्विक तत्काल में अपडेट आ चुका है और फाइनली वर्क कर रहा है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। फ्री क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर से आप लोग यहाँ पे 3 टिकट फ्री में बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना होगा। इसके बाद सिंपल आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फॉर्म नाम सेव करना है। सिंपल मैंने सिवान सर्च दिया हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट सिंपल में रेल कनेक्ट ऐप, जब भी आप क्विक तत्काल से अपने मोबाइल फ़ोन से तत्काल टिकट बुक करते हैं रेल कनेक्ट ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे 4-डिजिट पिन सेट करना है। आपको 4-डिजिट पिन वही पिन सेट करना है जब IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में आपने लॉगिन किए थे और वहाँ पे जो पिन सेट किए थे। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म स्टेशन सेलेक्ट करना है। सिंपल मैं यहाँ पे आनंद विहार सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ पे मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। तो आज देख सकते हैं 23 तारीख है, तो मैं यहाँ पे 24 तारीख सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है। इसके बाद ट्रेन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जनरल टिकट बुक करना चाह रहे हैं या फिर तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल करना है, यानी पैसेंजर नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे एज फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। यदि आप सेकंड नाम ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद सेकंड नाम भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए एक साथ 2 नाम ही बुक करें। इसके बाद एड्रेस फिल करना है। फर्स्ट लाइन में आपको जाना है, वहाँ एरिया पिन कोड टाइप करना है। इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ई वॉलेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको पेटीएम नंबर यहाँ पे सर्च करना है, यानी कि टाइप करना है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को क्विक तत्काल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिर्फ इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस जो करना है आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करेंगे या फिर ओपनिंग करेंगे 2 से 3 मिनट पहले स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं पिन कोड जो है आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। सिंपल आप लोग इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे किस टाइम क्लिक करना है मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं एसी या स्लीपर तो आप लोगों को 1 मिनट पहले लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लान वाइज जोनी सेलेक्ट होगा। इसके बाद देख सकते हैं आनंद मुजफ्फरपुर यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा हूँ। कोटा भी देख सकते हैं। ऑटोमेटिक आप लोगों को प्रीमियम तत्काल सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सर्च ट्रेन पे भी मैंने क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। अब देख सकते हो जो भी टिकट आपको बुक करना है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ट्रेन भी सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ करना है और इंटरनेट स्पीड आपको काफ़ी हद तक सही होना चाहिए, तभी आप लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर पाएंगे। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छे नहीं होंगे तो आप लोगों को कन्फर्म टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो था क्विक तत्काल सॉफ्टवेयर पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा था, फाइनली इसमें अपडेट आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सेकेंड पेज पर आ चुका हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करना है। इसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट है। यहाँ पे OTP भी चले गए हुए हैं। देख सकते हैं सेकेंड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो चुका है और हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएंगे। सिंपल आपको OTP कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिमट सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो क्विक तत्काल की मदद से कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।